हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों को आपकी मॉडर्न वायरी की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? हम सब लोग बढ़िया हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और आजकल हल्द्वानी में अच्छी तेज़ धूप आ रही है, तो अभी यहाँ सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिलते रहते हैं और मुझे खुशी होती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो मेरे ब्लॉग पे। तो जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग्स वगैरह नहीं देखे हैं, तो वो लोग मेरे पुराने ब्लॉग देखना और बताना कि उन लोगों को कैसे लगे मेरे ब्लॉग। और इससे पहले की वीडियो में मैंने कश्मीरी लहसुन या हिमालयन लहसुन, पहाड़ी लहसुन, उसके दो तीन बहुत सारे नाम हैं, तो आप लोगों को वो वाला ब्लॉग मेरा कैसा लगा, आप लोगों को मेरे ब्लॉग से कोई फ़ायदा हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पहले से पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता था उनको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत और दिखाते हैं आज का अपना ब्लॉग और मिलवाते हैं आपको आपकी मॉडर्न ब्वारी से और देखते हैं कि वो आपको क्या क्या दिखाती है और क्या क्या बना के खिलाती है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए टाटा। और यहाँ पर चाचा और भतीजा दोनों लगे हैं अपने कामों में, तो चलिए सुनते हैं इनकी गपशप, देखते हैं ये क्या क्या कह रहे हैं। लगा देता हूँ। क्यों? इसके कान मटा देखो, ले टेडी के कान मटा। लगा दो, लगा दो। अब नहीं बोल रहा ना ये। उसकी नाक किस रहा है वो? खुल गई उसकी नाक। हो गया? हो गया, हो गया। कान में लगा देते हैं। चाचू के कान में डाल दे, चाचू के कान में डाल दो। लगा दो ढक्कन, लगा दो ढक्कन, लगाओ। गिरेगी, छाली गिरेगी, छाली। कैसे? छाली गिर जाएगी। तो अब दवाई पियो, चाचू दवाई पिलाएंगे। लो इसको दवाई भी लाओ। इसकी नाक आ रही है, नाक कहाँ गई इसकी? थैंक यू। तो नाक साफ करो, नाक साफ करो। ज्यादा रगड़ा रगड़ा, ले नहीं क्या? अरे चलना इसे। लाडो पी ले, मैं फिर पकड़ के पिला दूंगा। पी रहा नहीं? पी रहा, पी रहा नहीं? पी रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ले पी फिर। दवाई पीते हैं, टेस्टी हो रही है। कैल्शियम है, कैल्शियम टेस्टी हो रही है। दवाई तो बंद कर। लो लो लो, ये देखिए यहाँ पर लाडो को दवाई पिलाने के लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लाडो बीमार हो रहा है लेकिन दवाई बिल्कुल नहीं पी रहा है। दवाई दवाई
और ये दवाई ना फ्री की नहीं है, ये दवाई रख दे आप, जैसे सारी फेंक दी दवाई दे। पूरा कपड़े भी खराब कर दिए, सारे कपड़े खराब कर दिए दवाई से। ये इतना टैगिंग पिलाएगा आप और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन में, और मैं आज कुछ स्पेशल सी डिश बना रही हूँ जो हमारी पहाड़ी डिश है। ये देखिए, ये है मडवे का आटा जो आज ही पापा पिसवा के लेके आए थे, और मैं इसकी कुछ स्पेशल सी डिश बनाने वाली हूँ आज, बहुत टेस्टी, जो जाड़ों में खाई जाती है, पहाड़ों का जो चौनप्रास कहा जाता है जिसे, आप लोगों में से बहुत से लोग बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसका क्या बनता है, मतलब इसका हलवा कैसे बनता है। तो इसका हलवा बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, मैंने इतना मडवा छान के इसको जिस बर्तन में हमें घोलना है उसमें डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, और उसमें मैं डाल रही हूँ घी। घी इसमें जितना आप खा सकते हैं, मतलब जितना आपको चाहिए उतना आप डालिए, लेकिन इसमें घी बहुत, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा लगता है। ये घी हम इसमें बाद में भी डाल सकते हैं ऊपर से। ये मैंने मट्ठे में इसको घोल बना लिया है, एक मडवे के आटे को छान के। इसमें मट्ठा या दही डाल के, ये खट्टी चीज़ डाल के ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मैंने वो घोल डाल दिया है उस तड़के जिसमें मैंने मतलब घी डाला था कढ़ाई में, उसके ऊपर डाल दिया है। और ये है गुड़, इसमें गुड़ ही डाला जाता है, चीनी का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता है। और मैं इसमें अब डाल दूँगी गुड़। इसको पकाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, मतलब जब तक ये पूरा अच्छे से पक नहीं जाता है, नहीं तो कच्चा स्वाद रह जाएगा इसका। ये है हमारे पहाड़ों का बेस्ट से बेस्ट सुपर से ऊपर चौनप्रास। ये जाड़ों में एक औषधि का काम करता है। मडवे का आटा तो वैसे ही गर्म होता है, और फिर ऊपर से इसमें गुड़ डाल के ये और गर्म हो जाता है। थोड़ा सा ही आटा लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए इसे कम कम आटे में ही बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बनती है तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगती टेस्ट में। ये देखिए, मैं इसको खूब पका रही हूँ। फिर इसमें आपको, अगर घी ज़्यादा खाते हैं आप लोग, तो इसमें ऊपर से भी घी डालते हैं, ऊपर से घी डाल के इसका टेस्ट और बढ़िया लगता है। हमारे पहाड़ों का ये बहुत ही पसंदीदा, क्या कहेंगे इसे, चौनप्रास है। और ये देखिए, मैंने बना दिया है चौनप्रास। ये है हलवा, मडवे का हलवा। आप भी ज़रूर टेस्ट करना इन सर्दियों में इसे, हम तो बहुत बनाते हैं इसे। ये देखिए, बहुत टेस्टी हो रहा था खाने में भी। लड्डू क्या है ये? खाओ फिर, चौनप्रास है ये, चौनप्रास, नीचे मत गिराओ। चौनप्रास खाओ, खाओ फिर टेस्ट करो कैसा है। टेस्ट तो करो कैसा है चौनप्रास, थोड़ा सा खाओ पहले। हाँ, मुंह में डालो उसको, हाँ मुंह में डालो। कैसा है? टेस्टी टेस्टी। कैसा हो रहा? यम्मी यम्मी।
और फिर हम आ गए थे मम्मी मैं और लाडो घूमने, और हम आज आए थे वेंकट हॉल के अंदर। एक ये देखिए लाडो को कैसे खेल रहा है मजे से। ये देखिए वो खूब दौड़ रहा था यहाँ पे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको मॉडर्न वारी की ओर से टाटा बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।